गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू टी एस इन द स्कूल। माई सेल्फ इज स्वाति महावर। आई टीच एस एस टी सब्जेक्ट। टुडे वी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 9th। वी स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। इन द लास्ट वीडियो वी कंप्लीट द टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। नाउ टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक फार्मिंग इन पालनपुर। The first factors of production is land. So we start with this topic. Farming is the main production activity in Palanpur. Farming main production activity tha Palanpur ke andar. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. Pura jitna population tha Palanpur ka, usme se 75% log jo the wo sirf agriculture mein limit the, sirf farming activity wo log karte the. There could be farmers on farm laborers. अब उसके अंदर farmers भी थे और farm laborers भी थे। farm laborers कौन होते हैं? जो दूसरे के particular area के अंदर, दूसरे के particular land के ऊपर जाकर के farming का as a labor काम करते हैं। The well-being of these people is closely related to production on the farms. अब ये जो लोग थे वो टोटली किस में रिलेटेड थे? प्रोडक्शन ऑन द फार्म, प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थे। But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. अब जो cultivation जहाँ पर हमें करना है वो जो particular land area होता था वो fixed होता था। Since 1960 in Palanpur there has been no expansion in the land area under production. अब 1960 तक की अगर हम बात करते हैं तो जो लैंड एरिया था जिसके ऊपर प्रोडक्शन होता था वो एरिया फिक्स था, उससे एरिया इंक्रीज नहीं हुआ था। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। कुछ एरिया ऐसा था जो वेस्ट लैंड थी, जो एरिया कल्टिवेशन के लिए काम में नहीं लिया जा सकता था, अनफर्टाइल एरिया था, तो उसको फर्टिलाइजर्स उसके अंदर लगा करके उस एरिया को उन्होंने कल्टीवेबल लैंड के अंदर चेंज किया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था और कोई स्कोप नहीं था कि फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करना ही उनके लिए कंपलसरी था। जितना ज़्यादा वो कल्टीवेशन करते उतना ज़्यादा उनका डेवलपमेंट होता। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। अब लैंड को मेज़र करने के लिए, ज़मीन को मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है दैट इज़ नोन एज हेक्टेयर। अंडरलाइन दिस। दो इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीगा, गोइंथा एक्सेट्रा। अब एरिया वाइज ये जो हेक्टेयर होता है इसका नाम चेंज हो जाता है, कहीं पर इसे बीगा कहा जाता है, कहीं पर गुंथा कहा जाता है। वन हेक्टेयर इक्वल्स टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 meters। वन हेक्टेयर किसके बराबर होता है? एक स्क्वायर के बराबर होता है। उस स्क्वायर की एक साइड कितने की होती है? 100 meters। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ वन हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट नंबर 2। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या एक ही ज़मीन के ऊपर हम एक से ज़्यादा कल्टीवेशन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा क्रॉप्स वहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हैं? इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल पालनपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पालनपुर कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट का एक विलेज था। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालनपुर। जितना भी ज़मीन एरिया था वहाँ पर, जितना भी ज़मीन था वो सब कल्टिवेशन के काम में लिया जाता था। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं थी जो खाली पड़ी थी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। रेनी सीजन में वहाँ के लोग क्या उगाते थे? ज्वार बाजरा, जो खारिफ क्रॉप्स कहलाती है। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। और ये जो प्लांट्स थे वो कैटल को फीड कराने के लिए, पास्चर कराने के लिए काम में लिए जाते थे। इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड डिसम्बर। उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो का कल्टिवेशन वहाँ पर होता था। इन द विंटर सीजन दैट इज़ इन द राबी सीजन फील्ड्स आर सोन विद वीट। और विंटर सीजन के अंदर फील्ड के अंदर वीट उगाया जाता था।
फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट टू द मार्केट एट रायगंज। अब जितना भी वो टोटल वीट का प्रोडक्शन करते थे उसमें से कुछ पार्ट तो वो अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए रख लेते थे कि साल भर उनके फैमिली के कंजप्शन में जितना काम आएगा वो, और बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ था, जो पार्ट उनका कंजप्शन के बाद लेफ्ट हो जाता था, बच जाता था, वो पार्ट क्या कहलाता था? सरप्लस कल्टीवेशन। वो उनका सरप्लस कल्टीवेशन होता था, एक्स्ट्रा होता था, जिसे वो रायगंज जो उनके पालनपुर के पास में था वहाँ उसके मार्केट के अंदर ले जा कर के सेल कर देते थे। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। अब कुछ पार्ट वहाँ का ऐसा था जहाँ पर शुगर केन का कल्टिवेशन किया जाता था लेकिन साल में सिर्फ एक बार। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जगरी इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन शाहपुर। अब शुगर केन जगरी, मैंने आपको बताया था गुड़ होता है, जगरी के सेल करने के लिए शाहपुर में ले जाया जाता था शुगर केन को। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो थ्री डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालनपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। अब साल में तीन बार वो कल्टीवेशन करते थे, खारिफ क्रॉप्स का अलग होता था, पोटैटो का अलग होता था, राबी का अलग होता था, तो एक ईयर के अंदर उन्होंने तीन बार कल्टीवेशन किया। लेकिन ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू द इरीगेशन फैसिलिटी। दे हैव वेल डेवलप्ड इरीगेशन फैसिलिटी इन देयर विलेज, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा इरीगेशन फैसिलिटी था जिससे वो जो पर्टिकुलर एरिया जिसके ऊपर वो कल्टीवेशन करते थे वहाँ पर पानी का कोई भी शॉर्टेज नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालनपुर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी आ चुका था पालनपुर के अंदर। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। पर्शियन व्हील्स वर टिल दैन यूज बाई फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द व्हील्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड। उससे भी पहले उनके पास क्या था? पर्शियन व्हील्स थे, उन व्हील्स के थ्रू वो वेल से पानी निकाल करके अपने कल्टिवेशन के अंदर काम में लेते थे। People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger area of the land more effectively. अब लोगों ने क्या देखा कि अगर हम ट्यूबवेल से इरीगेशन करते हैं तो हम जल्दी कल्टिवेशन कर सकते हैं और बहुत अच्छा कल्टिवेशन कर सकते हैं। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहले जो ट्यूबवेल्स लगाए गए थे वो किसने लगाए थे? गवर्नमेंट ने। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। उसके बाद फार्मर्स ने अपने खुद के प्राइवेट लेवल पर ट्यूबवेल्स लगाए थे। एज अ रिजल्ट बाय मे 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वर इरीगेटेड। अब 1970s के मिड तक जितना भी कल्टिवेशन एरिया था वो कितना आ चुका था? 200 हेक्टेयर्स। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरीगेशन अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स। कोस्टल रीजन इन अ कंट्री आर वेल इरीगेटेड। अब ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पर हाई लेवल ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो। कुछ एरिया है जैसे रिवर लाइन प्लेन्स है, कोस्टल रीजन है, वहाँ पर वेल इरीगेटेड फैसिलिटी अवेलेबल थी। बट इन द कंट्रास्ट प्लेटो रीजन सच एज द डेक्कन प्लेटो हैव लो लेवल ऑफ इरीगेशन। प्लेटो एरिया आ गया, चट्टानों वाला इलाका आ गया, तो वहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटी बहुत कम थी। Of the total cultivated area in the country, as little less than the 40% is irrigated even today. अब इंडिया के अंदर जितना कल्टिवेटेड एरिया है उसका 40 से भी कम परसेंट एरिया ऐसा है जो आज इरीगेटेड होता है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और बाकी का जो 60% वो आज भी किसके ऊपर डिपेंड है? रेनफॉल के ऊपर। अगर रेनफॉल अच्छा होगा तो कल्टिवेशन अच्छा होगा, रेनफॉल अच्छा नहीं होगा तो कल्टिवेशन भी अच्छा नहीं होगा। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप और अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अंडरलाइन दिस, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वॉट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, किसी पर्टिकुलर ज़मीन के ऊपर एक से ज़्यादा क्रॉप जब उगाए जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज नोन एज द मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। और कॉमन वे है, ये कॉमन तरीका है जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं अपनी ज़मीन की। ऑल फार्मर्स इन पालनपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 years। अब जितने भी वहाँ पे फार्मर्स थे वो एटलीस्ट टू क्रॉप्स तो उगाते ही थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो टू थर्ड क्रॉप दैट इज पोटैटो भी वहाँ पर कल्टिवेट वो लोग करते थे।
यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग. द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मैथड फॉर हायर यील्ड. अब एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए, दूसरा जो तरीका था कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए था वो था फार्मिंग मैथड, मॉडर्न फार्मिंग मैथड. मॉडर्न फार्मिंग मैथड के अंदर क्या था, यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. यील्ड क्या था कि कितनी प्रोडक्टिविटी आप कर रहे हो एक सिंगल सीजन के अंदर उस पर्टिकुलर लैंड पर. टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स. 1960 तक था जो उनका कल्टीवेशन का जो पैटर्न था वो ट्रेडिशनल था. अब ट्रेडिशनल के अंदर क्या था, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन. जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनको पानी की कम ज़रूरत होती थी, लेस इरीगेशन वो रिक्वायर करते थे. फार्मर्स यूज काउ डंग, गाय का जो गोबर होता था उसको एज अ मेन्यूर वो लोग काम में लेते थे, एंड अदर नेचुरल मेन्यूज एज फर्टिलाइजर्स. ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम. और ये सब फार्मर्स के पास में वहीं पर हाउस होल्ड में उनके अवेलेबल रहता था, बाहर से किसी मार्केट से उनको परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. ओके, नाउ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स टू कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स HYVs ऑफ सीड्स. अब 1960 से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, अंडरलाइन दिस. वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तो किसके लिए किया गया था, मोस्टली फॉर द टू क्रॉप्स वीट एंड राइस. वीट और राइस की क्रॉपिंग के लिए हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स काम में लिए जाते थे. कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट. HYV सीड्स यूज़ करने के बाद में जो कल्टीवेशन एरिया था, जो प्रोडक्टिविटी थी वो उनकी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी. एक सिंगल प्लांट से ही वो बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी गेन कर लेते थे. एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर फार लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स दैन वॉज पॉसिबल अर्लियर. अब इतना अच्छा प्रोडक्टिविटी उनका हो गया था जितना अच्छा उन्होंने उससे पहले कभी भी गेन नहीं किया था. High yielding variety seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers. अब इसके अंदर पानी की भी बहुत ज़रूरत पड़ती थी, मॉडर्न टेक्निक था ये, साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स भी हमको चाहिए होते थे. सी द पिक्चर 1.4 मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स. अब इसके अंदर क्या दे रखे हैं, HYV सीड्स सबसे ऊपर, उसके बाद फर्टिलाइजर्स, देन पेस्टिसाइड्स, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, पम्प सेट्स, इरीगेशन, केनाल्स, डीजल, फार्म मशीनरी, मीन्स यहाँ पर ट्रैक्टर उनको नीड होता था. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड के अंदर काम में आती थी. यू हैव टू लर्न दिस डायग्राम. ओके, नाउ पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट. अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते थे. हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स. हायर यील्ड जो होता था, अच्छी फर्टिलिटी जो होती थी वो HYV सीड्स से होती थी. इरीगेशन फैसिलिटीज़ उनको अच्छा चाहिए था, केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें चाहिए होते थे प्रोडक्ट क्रॉप में लगाने के लिए, और पेस्टिसाइड्स जानवरों को मारने के लिए, जो बैक्टीरियाज होते थे उनको मारने के लिए उनको पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड वो लोग काम में लिया करते थे. फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मैथड इन इंडिया. अंडरलाइन दिस, सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मैथड कहाँ लिया गया था, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. द फार्मर्स इन दीज रीजन स्टार्ट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग. अब यहाँ के जो फार्मर्स थे उन्होंने HYV सीड्स यूज़ करने के बाद में अच्छा इरीगेशन फैसिलिटी यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, पेस्टिसाइड्स उन्होंने यूज़ किए. सम ऑफ दैम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर. दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वी. अब उन्होंने मॉडर्न मशीन्स भी यहाँ पर काम में लिए, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो हार्वेस्टिंग कर सके, जल्दी से जल्दी हार्वेस्टिंग कर सके और जो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी है उसको जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट कर सके. इन पालनपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द रीजनल वेराइटी वॉज 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर. जब वो मॉडर्न ट्रेडिशनल वेराइटी यूज़ कर रहे थे, ट्रेडिशनल टेक्निक्स वो यूज़ कर रहे थे, तब कितना प्रोडक्टिविटी था उनका, ओनली 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर.
विद द एच वाई वी सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर. कितना इंक्रीज हो गया उनका 1300 से 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर मॉडर्न टेक्निक यूज़ करने के बाद में. देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट. फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट. अब उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल था प्रोडक्शन, ताकि वो मार्केट के अंदर सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकें. ओके okay?